फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एलजी उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो कि मानी जाती है अपने नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए डिज़ाइन के लिए। वैसे तो नए मोबाइल फ़ोन, नए टीवी, नए कैमराज आए दिन लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें कुछ नया नहीं होता। नया होता है तब जब आप उनका फॉर्म फैक्टर चेंज करो, जब एक नया डिज़ाइन लॉन्च करो, जब उनके साथ नए नए यूज़ केसेस हों। और इसीलिए एलजी एक ऐसी कंपनी है जिसका के लोहा माना जाता है टेक्नोलॉजी इनोवेशन की इंडस्ट्री में। आज मैं बात करने वाला हूँ एलजी के एक और नए टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में जो कि मोबाइल फ़ोन की दुनिया में आने वाला है। मोबाइल फ़ोन का एक नया फॉर्म फैक्टर, एक नई तरीके की डुअल स्क्रीन वाला फ़ोन एलजी लेकर आया है जिसका नाम है एलजी विंग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या नया है इस फ़ोन में, किस तरीके से ये अलग है दूसरे डुअल स्क्रीन फ़ोनों से या दूसरे फ़ोनों से, और क्या नए फीचर, क्या नए यूज़ केसेस इस फ़ोन के साथ जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ छोटे से वीडियो में, देखते रहे इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल, लेट्स बिगिन। दोस्तों, मार्केट में जो भी चीज़ बनती है, बिकती है, उसका एक यूज़ केस होता है। वो यूज़ केस कस्टमर्स को पसंद आता है, इसीलिए वो उसको ख़रीदते हैं। मिसाल के तौर पे एक कटर मेरे पास है, इस कटर का यूज़ केस है कि आप इससे चीज़ें काट सकते हो, राइट, थोड़ी बहुत, तो इसका ये यूज़ केस है, इसके बिकने की यही वजह है, लोग इसको इसीलिए ख़रीदते हैं। मोबाइल फ़ोन का यूज़ केस क्या है? जब मोबाइल फ़ोन नए नए चले थे तो उनका यूज़ केस था कि आप उस पर बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कॉल रिसीव कर सकते हो। ये यूज़ केस बहुत बड़ा यूज़ केस था, एक रेवोल्यूशन था कम्युनिकेशन की दुनिया में, तो लोगों को पसंद आया। जब मोबाइल फ़ोन में कैमरा लॉन्च हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा यूज़ केस था, क्योंकि कैमरा लोगों को पसंद आया कि अलग से कैमरा उठा के नहीं चलना, मोबाइल फ़ोन में ही कैमरा है, तो उनको ये पसंद आया और ये फीचर हिट हो गया, मोबाइल और ज़्यादा बिकने लग गया इस यूज़ केस के साथ। तो ये तो मैंने आपको यूज़ केस का मतलब समझा दिया। अब जितने भी आए दिन जो मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होते रहते हैं, ज़्यादातर उनमें कुछ नया नहीं होता, क्योंकि वही बार फोन मेमोरी ऊपर नीचे करके, प्रोसेसर ऊपर नीचे करके, मतलब स्पेसिफिकेशन ऊपर नीचे करके, कीमत ऊपर नीचे करके लॉन्च करते रहते हैं और कहते हैं कि नया फ़ोन लॉन्च है, वो बेवकूफ़ बनाने की बात है। मगर अगर आपके पास एक फ़ोन है जिसमें स्पीड अच्छी है, हैंग नहीं होता, कैमरा अच्छा है, तो आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा फ़ोन ख़रीदने की। दूसरा फ़ोन आप ख़रीदो तब जब वाकई कोई नया प्रोडक्ट नए यूज़ केस के साथ, नए डिज़ाइन के साथ आता है। एल जी विंग एक ऐसा ही फ़ोन है। तो आइए बात करते हैं कि इस एल जी विंग में क्या है नया। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, नया फॉर्म फैक्टर यानी कि जो फ़ोन की बनावट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। एल जी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च डुअल स्क्रीन फ़ोन। डुअल स्क्रीन फ़ोन भी इन्होंने ही सबसे पहले लॉन्च किया था, और इनका डिज़ाइन ऐसा था कि डिटैचेबल फ़ोन, मैं उसी तरीके का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये डिटैचेबल डुअल स्क्रीन फ़ोन है। जो इसकी डुअल स्क्रीन है वो मैंने डिटैच करके रख रखी है, क्योंकि घर में अभी बाहर तो कहीं जाते नहीं है, तो क्या फ़ोन भरे भारी बनाना। अब ये जो नई डुअल स्क्रीन टेक्नोलॉजी एलजी लेकर आ रहा है, वैसी अभी तक तो मार्केट में नहीं आई है, किसी बड़ी कंपनी ने लॉन्च नहीं करी है, एलजी ने लॉन्च करी है। फ़ोन की जो नई डुअल स्क्रीन है वो इस तरीके से दिखेगी, स्वाइवल डिज़ाइन है, एक हाथ के साथ ही आप विद जस्ट अ वेरी जेंटल पुश ऑफ योर थंब आप इस डुअल स्क्रीन को खोल सकते हो। खुलने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा, और इस तरीके की डुअल स्क्रीन वाला जब डिवाइस आपके पास बन जाता है तो नई नई चीज़ें आप कर सकते हो। वो क्या चीज़ें हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ। लेकिन इस डिज़ाइन को देख के अगर आपको याद आए, अगर आप मार्वल मूवीज़ देखते हो, तो आयरन मैन आई थिंक एक ऐसा ही डिवाइस अपनी फर्स्ट फिल्म में यूज़ कर चुका है। फिल्मों में हमको नए नए डिज़ाइन, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, वो होते कुछ नहीं है, वो बस डेड डिवाइसेस होते हैं। हमको कैमरा में दिखता है कि वो एक्चुअल वर्किंग डिवाइसेस हैं, नए नए हेलीकॉप्टर, नए नए एलियन शिप्स, अलग ही तरीके के गिज़मोस। फिल्मों में वो काफ़ी एडवांस बना देते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च होते हुए भी देखते हैं। तो एक ऐसा डिवाइस रॉबर्ट डॉनी जूनियर के हाथ में दिखा था आयरन मूवी 1 में, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का डिज़ाइन शायद एलजी ने कॉपी किया, लेकिन अब वाकई इस तरीके का डिवाइस मार्केट में आने वाला है। इस फ़ोन का जो सबसे बड़ा यूज़ केस कंपनी प्रमोट कर रही है, दैट इट कुड ऑल्सो वर्क एज अ गिम्बल। गिम्बल आप समझते हैं क्या है? गिम्बल एक स्टेबलाइज़र होता है मोबाइल फ़ोन या कैमरा के लिए।
वीडियो बनाने वाले वीलॉगर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसका यूज़ केस ये है कि जब आप उस पर अपने डिवाइस को, कैमरा को अटैच करके वीडियो बनाते हो, तो वीलॉगिंग करते वक्त आप मूवमेंट करते हो, राइट, इट्स अ मूविंग वीडियो, चलते चलते आप बनाते हो, तो उसमें वीडियो में शेक नहीं आता, फ्रिक्शन नहीं आता, स्मूथ वीडियो बनती है, ये उसका यूज़ केस है। अब इस नए फॉर्म फैक्टर को आप एज अ गिम्बल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो बड़ी स्क्रीन, जो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन ऊपर जा रही है और जो वर्टिकल स्क्रीन आपके हाथ में रहती है, यहाँ पे एक वर्चुअल जॉयस्टिक बन जाती है, सारे के सारे गिम्बल के कंट्रोल्स उसमें खुल जाते हैं और आप वीडियो बनेगी ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में बनती हुई दिखेगी, आप इसको एज अ गिम्बल यूज़ कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड लेंस कैमरा इसके पीछे दिया है, गिम्बल मोशन फीचर उसमें सपोर्ट करता है, तो पूरा का पूरा आपको गिम्बल इफेक्ट आएगा, यानी कि ये फ़ोन वीलॉगर्स को तो बहुत पसंद आने वाला है। एक और इसमें फीचर है, इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो मूविंग कैमरा है, यानी कि नीचे से ऊपर आता है बटन दबाते हो तो, ठीक है। अब उस कैमरा को आप बैक कैमरा के साथ साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हो, ऐसा फीचर मैंने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि किसी और फ़ोन में था, लेकिन आप दो कैमराज एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसमें वीडियो बनेगी, तो जो आप पीछे के सीन की वीडियो बना रहे हो वो आपको आधी स्क्रीन पर दिख रही है, आपको उस वीडियो बनाते वक्त जो आपका रिएक्शन है, अगेन ये वीलॉगर्स का फीचर है, आपका जो रिएक्शन है वो भी आपको दिख रहा है। आप उसको PIP के थ्रू छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, चाहो तो 50-50 कर लो या 25-75 कर लो, तो ये भी एक वीलॉगिंग फीचर है। इसमें आप जो वीडियो बनाओगे साइमल्टेनियसली आगे पीछे की वीडियो बन रही है, और वैसी वीडियो वीलॉगिंग में आई थिंक बहुत चलने वाली है, वीलॉगर्स के लिए एक बहुत बड़ा यूज़ केस है। दूसरा इसका यूज़ केस दे सकते हो कि जब एक डिवाइस में ज़्यादा स्क्रीन की रियल स्टेट ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा जगह स्क्रीन की है, तो उसके अपने आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, राइट। लोगों को बड़ी स्क्रीन या ज़्यादा स्क्रीन या एक से ज़्यादा स्क्रीन इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत होती है, गेम खेलने होते हैं, मैप यूज़ करना होता है, वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप करना होता है, वीडियो देखते देखते कमेंट करना होता है, तो ये सारे के सारे यूज़ केसेस होते हैं जिसके लिए लोग बड़ी स्क्रीन या एक से ज़्यादा स्क्रीन अपने फ़ोन में लगाना पसंद करते हैं। अब जब इस तरीके का फॉर्म फैक्टर बनेगा तो इमेजिन द वे यू आर गोइंग टू वॉच एंड एन्जॉय वीडियोज़ ऑन दैट फ़ोन। LG ने ये भी कहा है कि वो यूट्यूब और दूसरे वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप कर रहा है, जिससे कि ऑप्टिमाइज़ किया जा सके वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस को इस फ़ोन के लिए स्पेसिफिकली। तो इमेजिन कीजिए कि आप वीडियो देख रहे हो उस पूरी हॉरिजॉन्टल स्क्रीन में, नीचे वाली वर्टिकल स्क्रीन जिसको कि आपने हाथ से पकड़ रखा है, दोनों हाथ से पकड़ के आप उसमें कमेंट कर सकते हो या उसमें व्हाट्सएप खोल सकते हो, तो इस तरीके की जो मल्टीटास्किंग है वो बहुत ही आसान होने वाली है इस फॉर्म फैक्टर के साथ। एक और इसका यूज़ केस ये है कि कई बार आप अपने फ़ोन को एज अ नेविगेटिंग डिवाइस यूज़ करते हो, उसमें गूगल मैप खोलते हो, तो आपने अपने फ़ोन को लगा रखा है अपनी गाड़ी में, एक स्क्रीन पे आपका मैप चल रहा है, दूसरी स्क्रीन पे आपकी जो भी कॉल्स आ रही हैं या जो म्यूज़िक चल रहा है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो यूज़ करने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस हो सकता है। इस तरीके के जो न्यू डिज़ाइन के फ़ोन आते हैं, दो टाइप के मोबाइल कस्टमर्स हैं, एक तो वो जिनको डिज़ाइन से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस एक फ़ोन चाहिए अच्छे कैमरा के साथ, तो वो उसको यूज़ करते रहेंगे। दूसरे वो जो रियली अप्रिशिएट करते हैं नए नए डिज़ाइन, नई नई टेक्नोलॉजी को, तो उनको ये फ़ोन बहुत पसंद आने वाला है। साउथ कोरिया में पहले लॉन्च होगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इंडिया में पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तो शायद इसको मैं भी ख़रीदूँ और तब मैं इसका एक डिटेल रिव्यू करूँगा। फ़ोन में 4000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 128 GB या 256 GB की हार्ड ड्राइव के साथ आएगा, तो फीचर्स तो सारे एडवांस होने वाले हैं। मेरा ख्याल से जब तक आएगा तब तक इसमें जो लेटेस्ट SD प्रोसेसर होगा वो भी लग जाएगा, लेकिन जो इसके यूज़ केसेस और डिज़ाइन है वो वाकई तारीफ के काबिल है। The main screen for your main task and the second screen for your calls, messages and notifications, it's simple and hassle-free. It's easy to tell from the design that the wing was designed for comfortable viewing without interference. ये था मेरा ओपिनियन इस नए फोन के बारे में। तो ये था वीडियो LG विंग के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के टेक्नोलॉजी ज्ञान वाले वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूँ। I'll see you in the next one. Thank you.